ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषान आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश से है और बेहद अजीबो गरीब है। बता रहे कि मन्नत पूरी करे के सनक ऐसन के मंदिर से शिवलिंग उठाए के युवक के द्वारा नदी में विसर्जित कई दिन का एक के बाद एक कई मंदिरन में लगातार जब यह मेरे की घटना भई तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। जे के बाद युवक के खोजबीन कीन गए और युवक का पकड़ा गया और उसके बाद जौन मेर के खुलासा भा हर के उजान के अपन माथा पकड़ ली। विद्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सब हजार इनका प्रणाम कही थे शुरू कही थे बेहद अजीबो गरीब खबर के साथ। बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर से या अजीबो गरीब वाक्य समझ में सुखियाबा है। बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा के कथा सुनने वाले एक भक्त के द्वारा कथित भक्त के द्वारा यमेर के कारनामा कीनगा। बता दें कि पुलिस के द्वारा एक ऐसन युवक का गिरफ्तार कीनगा है जो खुद का पंडित प्रदीप मिश्रा के भक्त बताए और उनके निर्देश के मुताबिक कही के अपने हिसाब से व्याख्या कही के बता दी कि अपने इलाका के तीन मंदिरन के शिवलिंग उखाड़ के नाला में विसर्जित करी। गिरफ्तारी से पहले बता दी कि स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई और पुलिस लगातार परेशान रही। अब है घटना के खुलासा होने के बाद हर के अपन माथा पकड़ रहा है, हर के दंग रहेगा। बता दी कि गिरफ्तार कीन जाए वाले युवक के नाम शुभम भरत कैथवास बतावा गया है जो कि आदर्श नगर में रहा था। पिता के हार्डवेयर के दुकान ही पर जेके संचालन में बड़ा भाई गलाय शामिल है जबकि शुभम के द्वारा दुकान की जिम्मेदारी नहीं निभाई जाए। युवक के शादी नहीं भैया और पुलिस के मुताबिक शुभम के द्वारा अपने बयान में घटना के विवरण और कारण दोनों बताएंगे। शुभम के कहा है कि पंडित जो चर्चित पंडित प्रदीप मिश्रा है उनका भक्त ही और उनके द्वारा कथा में कहा गया रहा कि शिवलिंग का नदी में विसर्जित करे से मनोकामना पूरी होती और यही खातिर युवक के द्वारा अपने इलाका में बता दी कि आदर्श नगर गुजराती कॉलोनी और पंचमूर्ति नगर के स्थित मंदिर स्थित न केवल शिवलिंग बल्कि पार्वती गणेश के प्रतिमा का गला उखाड़ के पंचकुइया स्थित नाला में बताई जाए वाली विधि के मुताबिक विसर्जित कई दिन का। बता दें कि यह बेहद अजीबोगरीब मामला से हुआ जहां कथावाचक के कथा के जो अर्थ रहा युवक के द्वारा अपने तरीका से निकाला गया और यह मेर के हरकत कीन गए। युवक के आरोप है कि मनोकामना नहीं पूरी भय और यही कारण जो है युवक के कहावे के मनोकामना सिद्धि खातिर यमे के हरकत कीन गई है। आरोपी से जो पूछताछ हुई उसने से बताया कि कोई प्रॉब्लम थी और वो दुआ करता था और उसने सबकी सुनी मेरी नहीं सुनी इस कारण से उसने ऐसा बताया है। ऑल्दो आरोपी अपनी बात बताता है हम लोग तो पूरी वस्तुनिष्ठ विवेचना करके जो फैक्ट होंगे उन पर कार्रवाई की। तो और आ गए चलते यार वैसे होना तो इनका ही है। काश डैड की बात मानकर अरीना एनिमेशन ज्वाइन किया होता। इसीलिए बाप बाप होता है। चल अरीना एनिमेशन से स्किल लोगे तो डिमांड में रहोगे। कांग्रेचुलेशंस गाइस यू ऑल आर हायर्ड। अरीना एनिमेशन डिमांड में रहोगे।